वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर ऑफ मोरल स्टोरी, दैट इज द ट्रेजर इन फील्ड. व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रेजर? ट्रेजर दैट मीन्स लॉट्स ऑफ मनी, खजाना इन द फील्ड, खेतों में. अ फार्मर्स हैड थ्री लेजी सन्स. क्या है बच्चों इस स्टोरी में? देखिए, एक किसान के बेटों की कहानी है, जो किसान अपने बेटों को समझाना चाह रहा है कि खेतों में खजाना छुपा हुआ है. अ फार्मर हैड थ्री लेजी सन्स. एक किसान के तीन बहुत आलसी बेटे थे. दे नेवर वर्कड एंड ऑलवेज आस्क्ड फॉर मनी टू स्पेंड. वो कभी काम नहीं करते थे और हमेशा खर्च करने के लिए पैसे मांगते रहते थे. द फार्मर थॉट ऑफ टीचिंग देम अ लेसन. तो फार्मर ने सोचा कि इन्हें सबक सिखाया जाए या इन्हें पाठ पढ़ाया जाए. वन डे ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड. एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, सन आई एम ग्रोइंग ओल्ड नाउ. बच्चों, मैं बुजुर्ग बूढ़ा होता जा रहा हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू अ सीक्रेट. और मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाह रहा हूँ. द बॉयस ग्रू क्यूरियस एंड एक्साइटेड. बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो गए, बहुत ही खुश हो गए कि ऐसा क्या राज हमें पिताजी बताने वाले हैं. When the farmer had got their attention, जैसे ही किसान ने उनका अटेंशन प्राप्त किया या देखा कि बच्चे उनकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्होंने कहा, he said, I have a treasure hidden in my field. मेरे खेतों में खजाना है, या मैंने अपने खेतों में खजाना छुपा के रखा है. I have forgotten where it is. लेकिन मैं भूल चुका हूँ कि वह कहाँ है. You must dig up the field to find it. आपको अपने खेतों को उसे खोजने के लिए खोदना चाहिए. द लेजी बट ग्रीडी सन्स गॉट रेडी टू डू दिस वर्क नेक्स्ट मॉर्निंग. आलसी लेकिन उत्साहित बच्चे इस कार्य को करने के लिए अगली सुबह के लिए तैयार हो गए. दे कॉट अप अर्ली. वे जल्दी उठ गए. बाय इवनिंग दे हैड डग अप द होल फील्ड बट दे फाउंड नो ट्रेजर. शाम तक के उन्होंने पूरे खेतों को में खुदाई की, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला. इन द इवनिंग दे वेंट होम एंड सेड. और शाम को वे घर गए और उन्होंने कहा, फादर वी आर वेरी ट्राइड. पिताजी, हमने बहुत प्रयत्न किया. वी डग अप द होल फील्ड बट फाउंड नो ट्रेजर. हमने पूरा खेत खोदा, पूरे खेत में खुदाई की, लेकिन हमें कोई खजाना नहीं मिला. द ओल्ड फार्मर स्माइल्ड एंड सेड. बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, इट डज नॉट मैटर सन्स. यह कोई बात नहीं बच्चों. नाउ द फील्ड इज डग अप. खेत में खुदाई तो हो ही चुकी है. व्हाई डोंट यू सो सम कॉर्न इन इट. क्यों ना आप कुछ मक्के या कुछ बीज इसमें बो दें, बुवाई कर दें. द सन्स एग्रीड एंड सून दे बाउट सम कॉर्न सीड्स टू सो इन देयर फील्ड. बच्चे तैयार हुए और उन्होंने कुछ कॉर्न सीड्स मार्केट से खरीद के लाए बुवाई करने के लिए. अ फ्यू वीक लेटर देर वर गुड रेन. कुछ ही सप्ताह बाद बहुत अच्छी बारिश हुई. सुन द फील्ड वॉज फील्ड विद गोल्डन कॉर्न कॉप्स स्वेइंग इन द ब्रीज. और बहुत सुंदर सुंदर गोल्डन कॉर्न उनके खेतों में उगाए. देन द फार्मर सेड, सन यू मस्ट कट दिस बुश कॉर्प एंड सेल इन द मार्केट, ब्रिंग द मनी टू मी. और किसान ने कहा कि आप इस कॉर्न बुश को कट कर लीजिए और मार्केट में बेच के आइए और मेरे लिए पैसे लाइए. ओके, सो अब क्या किया किसान के बच्चों ने, जो आलसी थे, मेहनत नहीं करना चाहते थे और पिताजी की कमाई खर्च करना चाहते थे. द सन वेंट टू द फील्ड एंड कट द कॉर्न. वे खेतों में गए और उन्होंने कॉर्न को कट किया. दे सोल्ड इट इन द मार्केट एंड अर्न 1000 रुपीस. और उन्होंने उसे मार्केट में बेचा और 1000 रुपये अर्न किए. दे टुक द मनी टू हिज फादर. और उन्होंने वह पैसे अपने पिताजी को दिए. द ओल्ड फार्मर सॉ द मनी एंड सेड. बुजुर्ग व्यक्ति ने पैसे देखे और कहा, सन्स दिस इज द ट्रेजर आई टोल्ड यू अबाउट. बच्चों, ये वही खजाना है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था. दिस ट्रेजर वॉज इन द सॉइल ऑफ द फील्ड. और यह खजाना खेतों की मिट्टी में ही छुपा था. यू हार्ड वर्क डग इट आउट. और आपने अपनी कड़ी मेहनत से इसे खोद के बाहर निकाला. इफ़ यू वर्क लाइक दिस एवरी ईयर
यदि आप हर वर्ष इसी तरीके से कार्य करोगे, यू विल गेट द ट्रेजर ऑल योर लाइफ, तो आप अपने पूरे जीवन में खजाना प्राप्त करते रहोगे। द लेजी सन्स अंडरस्टूड व्हाट देयर फादर मेंट। अब जाके वो आलसी बच्चे यह समझे कि उनके पिताजी का कहने का क्या मतलब था। फ्रॉम दैट डे दे वर्कड हार्ड एंड लर्न देयर ओन मनी, और उस दिन से बच्चे कड़ी मेहनत करने लगे और स्वयं की कमाई से पैसा कमाने लगे। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी डियर स्टूडेंट्स? द मोरल ऑफ स्टोरी इज दैट वी हैव टू ऑलवेज डू वर्क हार्ड एंड अर्न मनी। डोंट हैव टू स्पेंड अवर मनी ऑफ अवर फादर्स अर्निंग। ओके।